श्री हम श्री हम श्री। माफ कर दीजिए मैडम, इन्होंने हमें पैसे दिए ये सब करने के लिए। फानी मैडम ने बड़ी ही चालाकी से हमारे ही लाए हुए सबूत हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर दिए, पर कैसे? देखा मिश्री, झूठ बोलने का अंजाम यही होता है। आज तू सबकी नजरों में गिर गई। ये जो तेरा नौकरानी से महारानी बनने का सपना है, जिसके लिए तू बार बार झूठ बोलती है, उसी का नतीजा है ये। अब अगली बार वानी मैडम का सच बताने से पहले हमें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि राघव जी और बाकी घर वाले बिना सबूत के हमारे किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? सो ये सवाल तो हम भी आपसे पूछ सकते, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। हाँ, आप ही का घर है, आप ही की मर्जी है, बस हम आपके कुछ नहीं, हम तो बस इस घर की नौकरानी है जिसे सबकी बात सुनने के लिए ही रखा गया है। मत क्या करो गलती, ना गलती करोगी ना बातें सुननी पड़ेंगी। अच्छा, उस हिसाब से तो अगर हम कुछ अच्छा करें तो हमें तारीफ भी मिलनी चाहिए। तारीफ? और तुम्हें किस बात की? This looks interesting. आपको खेलना आता है ये? खेलना? मैं चैंपियन था। बड़ी बड़ी बात करने में या ये खेलने में? ताओ इधर, बताओ किसको मारो? वो सफेद वाली। इसमें ना कॉन्सेंट्रेशन लगता है, 30 degrees स्ट्रेट। आई टीच यू हाउ, मुझे देखो। दूसरी ओर से एकदम ध्यान से उसे देखिए। ऐसे मारते अब हम आपको सिखाते हैं। खेलना है? चैलेंज बताओ। चैलेंज चलो।
नमस्ते। राघव, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम कसम खाते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेंगे। देखो भाई, आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे कोई लड़ाई झगड़ा ना चाहिए। आज सब लोग मिलकर के गरबा का आनंद उठाएंगे बस। और आज होगा हमारे घर में एक डांस कंपटीशन मोहल्ले की सारी बहुओं के बीच में, और बेस्ट बहू को मिलेगा एक अवार्ड। ये अवार्ड तो हमारी बानी बहू को मिलेगा, सीधी सी बात है, जा हमारे लल्ला राघव की पत्नी है। बिल्कुल सही कहा दादी जी आपने, जीतेगी तो राघव जी की पत्नी ही। हम इस घर की बहू है, राघव जी की पत्नी। आज तेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि तू राघव की पत्नी है, और आज सबको पता चल जाएगा कि तुम राघव जी की पत्नी नहीं हो, पर सबकी नजरों में तो मैं ही राघव की पत्नी हूँ और रहूंगी। और राघव और इस परिवार की बर्बादी के बीच में मैं तुझे और तेरी सोच को आने नहीं दूंगी, और हम तुम्हें हमारे परिवार की खुशी बर्बाद करने नहीं देंगे। पर तेरे सुनेगा कौन? राघव तो तुझे सबके सामने अपनाता भी नहीं है। पर एक बार हम तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आ जाए, फिर तो सब हमें अपना लेंगे ना। जागते हुए सपने देखना अच्छी बात नहीं है मिश्री। पर तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारी नींद उड़ गई? हमारी चुनौती याद है ना? नवरात्रि के 9 दिनों में हम तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आएंगे। वानी, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ नहीं राघव जी।
हूँ।